वर्ल्ड कप का फर्स्ट सेमीफाइनल दोस्तों खेले जाने वाला है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच पे। अगर बात करूं इन दोनों टीम की परफॉर्मेंस की इस पूरे वर्ल्ड कप पे, तो पाकिस्तान ने अपने 5 मैच में से 3 मैच को विन किया, वहीं न्यूजीलैंड भी 3 मैच विन करके क्वालिफाई कर पहुंची है वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स तक। ओके, न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना मैच खेला जिसमें उसने कन्विंसिंगली ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, जबकि न्यूजीलैंड इंग्लैंड से अपना मैच हार गई थी। वहीं बात करूं पाकिस्तान की तो पाकिस्तान अपना मैच इंडिया और जिम्बाब्वे से हारी थी, बट नीदरलैंड के साथ अपना मैच जीती थी, साउथ अफ्रीका के साथ अपना मैच जीती थी और बांग्लादेश के साथ भी अपना मैच जीत कर आ रही है। तो दोनों टीम की अगर परफॉर्मेंस की अगर मैं यहां पर बात करूं और दोनों टीम में से अगर करंट परफॉर्मेंस की बात करूं तो न्यूजीलैंड का पलड़ा यहां पर थोड़ा भारी लग रहा है पाकिस्तान के मुकाबले में, क्योंकि न्यूजीलैंड के काफी प्लेयर यहां पर अच्छे फॉर्म पर है अगर कंपेयर करूं पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ। ओके, एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है उसे पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एंड टाइम तक आप लोगों को पता है टीम पर चेंजेस होते रहते हैं, तो कुछ भी अपडेट मिलता है ना तुरंत आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप सभी लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से ज्वाइन करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस वीडियो पे आप सभी लोगों के लिए 10,000 रुपीज का एक कैश अवार्ड है, जिसके लिए वीडियो के दौरान पूछे गए एक सिंपल क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब देना है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं वेन्यू सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का, जहां पर कि ये मैच खेले जाने वाला है, पिच कैसा बिहेव करने वाला है, बैटिंग फ्रेंडली होगा या बॉलिंग फ्रेंडली होगा, पेसर को ज्यादा एडवांटेज होगा या स्पिनर को ज्यादा एडवांटेज होगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो पे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सभी लोगों ने देखना है। ओके दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। ओके दोस्तों, पिच की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे जो मैचेस खेले गए ना उसे देखो आप लोग। यहां पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हुआ था, न्यूजीलैंड ने इस मैच को इजीली कन्विंसिंगली विन कर लिया था, फर्स्ट इनिंग्स पे अच्छा स्कोर बना था। साउथ अफ्रीका बांग्लादेश पे भी फर्स्ट इनिंग्स पे अच्छा स्कोर बना था, 200+ का स्कोर बना था। इंडिया नीदरलैंड पे भी फर्स्ट इनिंग्स पे अच्छा 180 का स्कोर बना था। उसके बाद न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में यहां पर मैच हुआ था, तो यहां पर देखो न्यूजीलैंड ने अपना मैच विन कर लिया था, अच्छे मार्जिन से विन करा था। पाकिस्तान ने यहां पर अपना एक ही मैच खेला है साउथ अफ्रीका के साथ, जिसपे की पाकिस्तान ने इजिली विन कर लिया था, और लास्ट मैच यहां पर श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच में हुआ था जिसपे की लो स्कोरिंग एक मैच गया था। शुरू के अगर आप लोग देखोगे 1, 2, 3, 4, 5 पांच मैचेस पे क्या हुआ, जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट करा उसी टीम ने यहां पर विन किया, बट लास्ट मैच पे श्रीलंका और इंग्लैंड के अगेंस्ट पे थोड़ा सा अपोजिट हुआ, ठीक है, और यहां पर आप लोगों को इंग्लैंड की टीम सेकेंड इनिंग्स पे चेस करते हुए विन करती हुई दिखी। ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे ये जो यहां पर 6 मैचेस हुए हैं ना दोस्तों, इन 6 मैचेस पे 88 विकेट्स गिरे हैं, जिसमें से कि 52 विकेट मिले हैं पेसर को और 31 विकेट मिले हैं स्पिनर को। मतलब पेसर और स्पिनर यहां पर दोनों को ही अच्छे खासे विकेट्स मिलते हैं। रेशियो देखोगे जब पेसर 5 विकेट निकालता है तो स्पिनर यहां पर आप लोगों को 3 विकेट निकालता हुआ दिखेगा, तो रेशियो सही है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट इनिंग्स का अगर आप लोग यहां पर एवरेज स्कोर देखोगे ना तो एवरेज स्कोर बहुत अच्छा जाता है दोस्तों यहां पर, ठीक है, और यहां पर जो भी टीम टॉस विन करेगी हो सकता है कि वो यहां पर बैटिंग करना पसंद करे। क्यों? क्योंकि अगर पिच के रिकॉर्ड को देखेगी ना टीम, तो इनिशियली यहां का पिच बैट्समैन को फेवर करता है और सेकेंड इनिंग्स पे पिच बॉलर को फेवर करता हुआ दिखता है, इस बात को नोट डाउन करके रखना, क्लियर। ओके, तो यही था दोस्तों 174 का एवरेज स्कोर है, जो कि एक अच्छा स्कोर है। अब सेक्शन वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। पिच आप लोगों को समझ में आ गया है कि पिच इनिशियली बैटिंग को फेवर करता है, सेकेंड इनिंग्स पे आप लोगों के बॉलर्स को ज्यादा फेवर्स करता है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया पिच पे जितने भी मैचेस हुए हैं सारे मैचेस के स्टार्ट्स इसलिए आप लोगों के सामने है। ओके, विकेट कीपर वाले सेक्शन से एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर वाले सेक्शन को देखोगे तो न्यूजीलैंड की टीम पे आप लोगों को डिवॉन कॉनवे और फिन एलन दिखेंगे, डिवॉन, और वहीं पाकिस्तान की टीम पे आप लोगों को मोहम्मद रिजवा और मोहम्मद हरीस खेलते हुए दिखेंगे। ओके, यहां पर देखो डिवॉन कॉनवे को देखो तो 32 मैच पे 50 का एवरेज है, बट लास्ट के 5 मैच में सिर्फ 1 मैच में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है।
वहीं फिन एलन की अगर मैं बात करूं तो 22 मैच पे 25 का एवरेज है इनका भी, सिर्फ एक ही मैच अच्छा रहा है जिसमें इन्होंने 42 रन बनाए थे। अच्छा, डिवॉन कॉनवे एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, आराम से अच्छे से खेलते हैं, तो एक आप लोगों के लिए स्मॉल लीग के लिए तो मस्ट पिक प्लेयर बनते ही है। बाकी फिन एलन को आप लोग मेगा ग्रैंड लीग पे एज अ पंट प्लेयर ट्राई कर सकते हो, क्यों? क्योंकि गेम चेंजर प्लेयर है दोस्तों। 22 इनिंग्स पे देख लो, 2 बार 50 और 1 बार सेंचुरी बना चुका है, मतलब 22 इनिंग्स पे 3 पारी ऐसी उसने खेली है जिसपे कि उसने पूरे गेम को चेंज किया है, इस बात को नोट डाउन करके रखना, क्लियर? ओके, वही बात करूं पाकिस्तान की टीम से, तो यहां पर मोहम्मद रिजवान की अगर मैं बात करूं तो 78 मैच में 49 का इनका एवरेज है, एक ही बार अच्छा स्कोर किया है यहां पर 49 का, बाकी मैच में लगभग फ्लॉप रहे थे। चलो लास्ट मैच में भी 32 रन का ठीक ठाक स्कोर था, बट प्लेयर शानदार है, विकेट कीपरिंग से भी आप लोगों को पॉइंट देते हैं, उस बात को ध्यान रखना। मोहम्मद हैरिस की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अभी तक अपने इंटरनेशनल करियर पे सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं। एक मैच में इन्होंने पहले डेब्यू मैच में 7 रन बनाए, फिर 28 रन बनाए, फिर 31 रन बनाए। अगर आप लोग इनका डोमेस्टिक करियर देखोगे ना तो 25 मैच पे 22 का ही इनका एवरेज है, बेस्ट स्कोर 79 का है, 50 दो बार बना चुके हैं। अच्छा, मोहम्मद हैरिस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर न्यूजीलैंड के पेस बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग निकालते हैं, बाकी बड़ा इवेंट का एक बड़ा मैच है तो थोड़ा सा प्रेशर फील कर सकता है, अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो शायद मोहम्मद हैरिस को मैं ट्राई नहीं करूंगा। स्मॉल लीग की टीम पे मैं अपने लिए मोहम्मद रिजवान को ट्राई करूंगा, मैं डिवॉन कॉनवे को ट्राई करूंगा और मेगा ग्रैंड लीग का मेरा पंट प्लेयर विकेट कीपर वाले सेक्शन से फिन एलन होगा। कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करना थोड़ा आसान है और अच्छे स्कोर बन रहे हैं, पिच का जो एवरेज स्कोर है वो भी 174 प्लस रन का स्कोर है, तो यहां पर जो भी टीम फर्स्ट इनिंग्स पे बैटिंग करने आती है उसके बैटिंग वाले सेक्शन से आप लोगों के लिए कैप्टन का एक अच्छा कंटेंडर मिल सकता है। जैसे पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने आती है तो मोहम्मद रिजवान अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, अगर न्यूजीलैंड की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने आती है तो आप लोगों के लिए डिवॉन कॉनवे एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, पिच पे खेले गए लास्ट मैच के रिकॉर्ड्स को देखते हुए। ओके दोस्तों, अब एक और इंपॉर्टेंट बात बैटिंग वाले सेक्शन पे, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को तो आप सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया है नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ना तो फटाफट से जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे आप लोगों को माई 11 सर्कल ऐप का लिंक मिल जाएगा, लिंक को क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लो दोस्तों, क्यों? क्योंकि यहां पर आप लोगों को 6-7 लाख स्पॉट पे खेलना है और यहां पर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता है महिंद्रा थार विन करने का, समझ रहे हो ना, मतलब इतने कम कंपटीशन में 10 लाख रुपए का कैश अवार्ड तो सब जगह आप लोगों को मिल जाता है, बट यहां पर 10 लाख के कैश अवार्ड के ऊपर आप लोगों को महिंद्रा एसयूवी थार मिलती है जिसकी कीमत आप लोगों को 15 से 17 लाख रुपए की होगी। तो मैं चाहता हूं कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स लोग माई 11 सर्कल ऐप को पक्का से डाउनलोड करो, सबके सब वहां पर खेलना स्टार्ट कर दोगे, अपनी 20 टीम डाल दोगे ना तो हमारा सब्सक्राइबर ही महिंद्रा थार विन करके आएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहां पर आप लोगों को मिलता है 1500 रुपए का बोनस, ठीक है, अगर आप लोग नीचे दिए गए लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करते हो, प्लस दोस्तों अगर आप लोग मेरे कोड को यूज करते हो जो कि है आप लोगों के लिए क्रिक 20, तो आप लोगों को 20% का रियल एक्स्ट्रा कैश मिलता है, ठीक है, बट यो जो ये रियल एक्स्ट्रा कैश है ना दोस्तों, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम डिपॉजिट ऑफर रहता है, मतलब अगर आप लोगों ने पहली बार लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड किया है तभी आप लोगों के लिए ये कोड एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। इस पे क्या है, आप लोगों ने सपोज करो 10,000 रुपए डाला, क्रिक 20 यूज करा, आप लोगों के 12,000 रुपए, क्लियर? तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से पक्का से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, अब गिव अवे का क्वेश्चन भी पूछता है, गिव अवे का क्वेश्चन मैं आप लोगों से ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे पूछूंगा, उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बैटिंग वाले सेक्शन को। बैटिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को केन विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स और डेरी मिशेल खेलते हुए दिखेंगे न्यूजीलैंड की टीम पे। वहीं बात करूं पाकिस्तान की टीम पे तो यहां पर आप लोगों को बाबर आजम, शान मसूद और इफ्तिकार अहमद खेलते हुए दिखते हैं। ओके, अब इनके रीसेंट फॉर्म को देखते हैं और देखते हैं कि अभी के टाइम पे इनका रिकॉर्ड क्या बोल रहा है। केन विलियमसन को देखो तो 85 मैच में 32 का एवरेज है, बट रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है दोस्तों,
लास्ट के पांच मैच में एक ही मैच है जिसपे इन्होंने 10 से कम रन बनाया है, वरना 61 रन, 40 रन, 23 रन, 59 रन। कंसिस्टेंट प्लेयर है, 85 मैच पे 50-16 बार बना चुके हैं। ग्लेन फिलिप की अगर मैं बात करूं तो इनका भी ये वर्ल्ड कप अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। 29 रन बनाए, फिर 12 पे फ्लॉप, फिर 104, फिर 62, फिर 17 पे फ्लॉप। 53 मैच, 33 का इनका एवरेज चल रहा है। 53 मैच में 2 सेंचुरी बना चुके हैं, इस बात को ध्यान रखना। यहां देखो 85 मैच में 1 सेंचुरी नहीं बनी है यहां पर, जबकि आप लोग देखोगे 53 मैच में ही 2 सेंचुरी बना चुके हैं, जबकि बाबर आजम भी देखो 97 मैच में ही 2 सेंचुरी बना पाए हैं। इसका मतलब ग्लेन फिलिप्स पे एक खास बात है, अगर खेलते हैं तो लंबा खेलते हैं, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि 50 बार हाफ सेंचुरी पे पहुंचे हैं, उसमें से 2 बार उसे कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल रहे हैं 100 रन के लिए, समझ रहे हो? ओके। बाकी डेरी मिशेल की अगर मैं बात करूं तो डेरी मिशेल को देखो लास्ट मैच में 31 बनाए थे, उससे पहले 3, फिर 22, 14, 48, ठीक है, ओके। 38 मैच, 25 का इनका एवरेज है, 72 बेस्ट स्कोर है, 50 2 बार बनाए हैं। अब डेरी मिशेल आप लोगों के लिए मेगा ग्रैंड लीग का पंट प्लेयर बन सकता है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी स्मॉल लीग की अगर मैं बात करूं तो यहां से आप लोग केन विलियमसन को ट्राई कर सकते हो, यहां से आप लोग ग्लेन फिलिप्स को ट्राई कर सकते हो, मतलब केन विलियमसन और ग्लेन फिलिप्स आप लोगों के लिए न्यूजीलैंड के साइड से अच्छे ऑप्शन होंगे। पाकिस्तान की मैं बात करूं तो बाबर आजम अभी रिसेंट फॉर्म बहुत खराब चल रहा है दोस्तों, देखो फ्लॉप 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 फ्लॉप, लास्ट मैच में चलो 25 रन की पारी खेली थी। ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे एवरेज भी काफी डिप हो चुका है, 50 प्लस के एवरेज से खेलते थे पहले, ठीक है, अब गिर के 41 तक आ चुका है। बेस्ट स्कोर 122 का है, 50-29 बार बना चुके हैं, सेंचुरी 2 बार बना चुके हैं। अब स्मॉल लीग के टीम पर बाबर आजम को ड्रॉप करना रिस्की रह सकता है, मेगा ग्रैंड लीग पे आप लोग चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, बट स्मॉल लीग पे रिस्की रहेगा, क्यों? क्योंकि आपके अपोनेंट के पास पक्का से बाबर आजम होगा और बड़ा प्लेयर है दोस्तों, हो सकता है कि बड़े मैचेस पे परफॉर्म कर जाए, इस बात को ध्यान रखना। शान मसूद की अगर मैं बात करूं तो 2 मैच में तो अच्छा 52 और 44 रन की पारी खेली, उसके बाद शान मसूद का भी फॉर्म डगमगा गया, 17 मैच में 29 का एवरेज है, बेस्ट स्कोर 65 का है, 50 3 बार बना चुके हैं। इफ्तिकार अहमद की अगर मैं बात करूं तो 1 मैच में 51 बनाए, फिर 51 बनाए, बाकी 2 मैच में फ्लॉप रहे, लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग भी कराया था और इन्हें 1 विकेट भी मिले थे, ओवरऑल बॉलिंग कम ही करते हैं, ठीक है, आई गेस इनके पूरे करियर पे इनके पास 2 या 3 ही विकेट है, ठीक है, 41 मैचेस पे 27 का इनका एवरेज है। अब देखो स्मॉल लीग के लिए तो आप लोग केन विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स को लोगे और यहां से बाबर आजम को लोगे, ठीक है, बट मेगा ग्रैंड लीग पे क्या करोगे? मेगा ग्रैंड लीग पे ना दोस्तों आप लोग केन विलियमसन प्लस बाबर आजम प्लस ग्लेन फिलिप्स, इन तीनों में से एक प्लेयर को आप लोग ड्रॉप करोगे, ठीक है, 2 को ही लोगे, प्लस जो आप लोगों के प्लेयर बच जाते हैं, जैसे आप लोगों के पास डेरी मिशेल बच गया है, आप लोगों के पास शान मसूद बच गया है, आप लोगों के पास बच गया है इफ्तिकार अहमद, ये आप लोगों के मेगा ग्रैंड लीग के पंट प्लेयर होंगे, तो इन प्लेयर को आप लोग मेगा ग्रैंड लीग पे इन करोगे और यहां से एक प्लेयर को ड्रॉप करोगे, जैसे केन विलियमसन को आप लोगों ने ड्रॉप करा तो यहां से आप लोग इफ्तिकार अहमद को अपने टीम पे ट्राई कर सकते हो या डेरी मिशेल को ट्राई कर सकते हो, इस तरह से मेगा ग्रैंड लीग पे आप लोगों ने अपने कॉम्बिनेशन को बनाना है। 3 प्लेयर ही लेकर चलना बैटिंग वाले सेक्शन पे, विकेटकीपर वाले सेक्शन से 2 प्लेयर आप लोगों के लिए ठीक रहेंगे, क्लियर? स्ट्रक्चर भी अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, पहले एक बार थॉरली स्टैट्स आप लोगों को बताओ ताकि आप लोग अपने हिसाब से अपनी टीम बना पाओ, ठीक है, जब तक अपना दिमाग नहीं यूज करोगे ना तब तक मेगा ग्रैंड लीग विन नहीं किया जा सकता है, किसी के भरोसे मेगा ग्रैंड लीग विन नहीं करा सकते, ठीक है, ना मेरे भरोसे ना किसी और के भरोसे। स्टैट्स को समझो, प्लेयर को एनालिसिस करो, सारे स्टैट्स आप लोगों को बता दिए हैं, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा रिस्क लो और अपने लिए मेगा ग्रैंड लीग की अच्छी टीम बनाने की कोशिश करो। कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर दोस्तों यहां से आप लोगों के लिए देखो, ग्लेन फिलिप्स बहुत लोगों का कैप्टन वाइस कैप्टन होगा, स्टिल मैं ट्राई नहीं करूंगा शायद, यहां से आप लोग चाहो तो बाबर आजम को ट्राई कर सकते हो, बट रिस्की रहेंगे क्योंकि रिसेंट फॉर्म पे अच्छे फॉर्म पर नहीं है, ठीक है, ग्लेन फिलिप्स को ही ट्राई करा जा सकता है, वैसे मेरे हिसाब से मैं बैटिंग वाले सेक्शन से शायद ही किसी को ट्राई करूंगा कैप्टन वाइस कैप्टन, मुझे विकेट कीपर वाले सेक्शन पे ही मिल जाएंगे, क्लियर? सब चीज क्लियर हो गया, अब आ जाओ दोस्तों ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे और आज के गिव अवे का क्वेश्चन सुन लो। गिव अवे का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आज के इस मैच का कैप्टन कौन सा प्लेयर बनेगा, पहला क्वेश्चन, प्लस साथ ही साथ बताना है इस मैच का वाइस कैप्टन कौन होगा, और तीसरा क्वेश्चन होगा कौन सा बॉलर सबसे ज्यादा विकेट्स लेगा और कितने विकेट्स लेगा,
ठीक है, ये तीन है आप लोगों ने, सिंपल से क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को ऐसे ही सिंपल सा लिख देना, जिसका भी सही जवाब होगा वो 10,000 रुपए तक का कैश अवार्ड विन कर सकता है। ओके, ऑलराउंडर वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे आप लोगों को जिमी निशम और मिशेल सेंटनर दिखते हैं। वहीं बात करूं पाकिस्तान के ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे तो आप लोगों को शदाब खान और मोहम्मद नवाज दिखते हैं। अच्छा, यहां देखो जिमी निशम की अगर मैं बात करूं तो बॉलिंग जिमी निशम नहीं कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना, और बैटिंग पे भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, थर्ड डाउन पोजीशन पे आ रहा है। वहीं सेंटर की अगर मैं बात करूं तो सेंटर को देखो हर मैच पे विकेट्स मिले हुए हैं दोस्तों, हर मैच पे, क्लियर, 77 मैच 18 का एवरेज है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, इस बात को ध्यान रखना, और 88 विकेट है, 50 एक बार बना चुका है और 4 विकेट होल्ड 2 बार है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है करेंट फॉर्म को देखते हुए। शदाब खान की अगर मैं बात करूं तो ये सुपर फॉर्म पे चल रहा है दोस्तों, हर मैच पे विकेट्स विकेट्स विकेट रन विकेट रन, मतलब ये तीनों चार मैच से ना ये कैप्टन का कंटेंडर चल रहा है, देख लो आप लोगों के सामने, 3 विकेट 17 रन, 3 विकेट 4 रन, 2 विकेट 52 रन, 2 विकेट 64 रन, इसका मतलब क्या है, लास्ट के चार मैच से ये कैप्टन का कंटेंडर चल रहा है, क्यों, क्योंकि बैटिंग पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बॉलिंग भी शानदार कर रहा है। तो यहां से एक तो आप लोगों के लिए मिशेल सेंटनर हो गए, एक आप लोगों के लिए शदाब खान हो गए। अच्छा, मेगा ग्रैंड लीग के पंच प्लेयर आप लोगों के लिए मोहम्मद नवाज हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना, मोहम्मद नवाज, क्लियर। तो मेगा ग्रैंड लीग पे जैसे मोहम्मद नवाज एक इंपॉर्टेंट पिक प्लेयर बन सकते हैं, जैसे मैं मेगा ग्रैंड लीग पे जैसे मिशेल सेंटनर को ड्रॉप कर सकता हूं क्योंकि पाकिस्तान की टीम स्पिनर के अगेंस्ट अच्छा खेलती है, उसके बदले मैं यहां पर मोहम्मद नवाज या जिमी निशम को भी ट्राई कर सकता हूं, थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। शदाब खान को ड्रॉप करना कुछ ज्यादा ही रिस्की हो सकता है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छा कर रहा है, 1 विकेट निकालने के चांसेस है, प्लस कुछ रन भी कर देगा तो फिर इंपॉर्टेंट बन जाएगा। वैसे तो सेंटर को भी ड्रॉप करना रिस्की रहेगा पर ट्राई किया जा सकता है, ठीक है, या तो आप लोग इन दोनों को लेना और मोहम्मद नवाज को आप लोग मेगा ग्रैंड लीग पे एज अ पंच प्लेयर लेकर चलना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, अगर बॉलिंग कराएगा ना तो विकेट ले जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, 53 मैच में 46 विकेट और 19 का एवरेज है, प्लेयर शानदार है दोस्तों, परफॉर्म नहीं कर रहा है, किसी भी दिन मेगा ग्रैंड लीग पे ऐसे ही चेहरे बाहर निकल कर आते हैं। ओके, बाकी देखो शदाब खान एज यूजुअल कैप्टन और वाइस कैप्टन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंडर रहेगा क्योंकि रिसेंटली जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। ओके दोस्तों, अब आ जाओ बॉलिंग वाले सेक्शन पे, बॉलिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दोनों टीम की बॉलिंग लाइनअप बहुत ही मजबूत है दोस्तों। न्यूजीलैंड के बॉलिंग लाइनअप पे आप लोगों को ट्रेंट बोल्ट दिखेंगे, आप लोगों को लॉकी फर्गुसन दिखेंगे, आप लोगों को टिम साउदी दिखेंगे और आप लोगों को दिखेंगे इश शोडी। वहीं बात करूं पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पे तो आप लोगों को शाहीन शाह अफरीदी दिखेंगे, आप लोगों को हरीश रॉफ दिखेंगे, आप लोगों को मोहम्मद वसीम जूनियर दिखेंगे और आप लोगों को दिखेंगे नसीम शाह। तो दोनों तरफ का जो पेस अटैक है ना दोस्तों जबरदस्त है। अब इनके रीसेंट फॉर्म को देखते हैं कौन सा बॉलर अभी अच्छे फॉर्म पर है। ट्रेंट बोल्ट की अगर मैं बात करूं तो 54 मैच में दोस्तों, यहां देखो 54 मैच पे 72 विकेट है ट्रेंट बोल्ट के पास, इस 5 मैच पे 2 बार विकेट लिए हैं और 3 बार विकेट लेस गया है। लॉकी फर्गुसन को देखोगे तो लास्ट के 2 मैच पे क्या 4 मैच पे अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है लॉकी फर्गुसन का। बाकी टिम साउदी हर मैच में विकेट निकाल कर लेकर जाता है दोस्तों, डेथ पे बॉलिंग करता है इसलिए इंपॉर्टेंट पिक हो जाता है। इश शोडी की मैं बात करूं तो इश शोडी भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना, नेग्लेक्टेड प्लेयर है, मेगा ग्रैंड लीग के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, बात करूं यहां से मोहम्मद वसीम की तो मोहम्मद वसीम ने 1 मैच में जबरदस्त 4 विकेट निकाले थे, फिर 2 विकेट निकाले थे, लास्ट मैच में ज्यादा बॉलिंग नहीं कराया गया था, विकेट लेस ही गया था। शाहीन शाह अफरीदी पहले अच्छे फॉर्म पर नहीं थे, लास्ट के कुछ मैच से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 1 विकेट 3 विकेट और 4 विकेट है। नसीम शाह की मैं बात करूं तो इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं लग रहा है, ठीक है, कुछ खास विकेट इन्हें नहीं मिले हैं। बाकी हरीश रॉफ की अगर मैं बात करूं तो इनका परफॉर्मेंस अच्छा ही है, हर मैच में विकेट निकाल कर मिल जाते हैं। अब स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो तो देखो आप लोगों के लिए यहां पर शाहीन शाह अफरीदी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप लोगों के लिए हरीश रॉफ इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए यहां से ट्रेंट बोल्ट या टीम साउदी में से एक इंपॉर्टेंट रहेगा, और सॉरी ट्रेंट बोल्ट और लॉकी फर्गुसन में से एक इंपॉर्टेंट रहेगा, और टीम साउदी को अपने अपने टीम पर लेना ही है।
मेगा ग्रैंड लीग के लिए टीम बना रहे हो, तो जो चार इंपॉर्टेंट बॉलर मैंने बताए हैं दोस्तों, इन चार इंपॉर्टेंट बॉलर में से सिर्फ दो बॉलर रखना और दो बॉलर्स ऐसे रखना आप लोग, जैसे ईश शोडी या लॉकी फर्गुसन को ट्राई करना, मोहम्मद वसीम को ट्राई करना, नशीम शाह को ट्राई करना। दो बॉलर कैसे होने चाहिए जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत डाउन हो, हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर ना हो, क्लियर, बट पोटेंशियल हो, जो डेप्थ के ओवर करते हैं या जो स्टार्टिंग पे ओवर करते हैं उन्हें विकेट मिलने के चांसेस है। देखो इस लेवल पे खेल रहे हैं ना, तो हर कोई अच्छा बॉलर है, हर किसी का दिन आ सकता है, क्लियर। ओके दोस्तों, अभी के टाइम पे एक डेमो टीम मैंने जो बनाकर रखी है स्मॉल लीग की, उसे देख लीजिए, बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, वहां पर कुछ भी चेंजेस होंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, और कैप्टन वाइस कैप्टन के मेरे कौन कंटेंडर होंगे वो भी बता दूंगा, ठीक है। देखो एकदम सेफ साइड की टीम है, डिवॉन कॉनवे और मोहम्मद रिजवान रहेंगे, यहां से आप लोगों के पास बाबर आजम रहेंगे, यहां पर केन विलियमसन और ग्लेन फिलिप्स रहेंगे, सेंटनर और शदाब खान रहेंगे आप लोगों के पास, बाकी टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट और यहां पर आप लोगों के साथ शहनशाह अफरीदी और हरीश रॉफ खेलते हुए। ये दोस्तों एक स्मॉल लीग की टीम है जिसे आप लोग हेड टू हेड पे यूज कर सकते हो, जैसे यहां पर आप लोगों के लिए शदाब खान कैप्टन का एक इंपॉर्टेंट कंटेंडर रहेगा, और डिवॉन कॉनवे और मोहम्मद रिस्वा दोनों आप लोगों के लिए वाइस कैप्टन के इंपॉर्टेंट कंटेंडर रहेंगे। मोस्टली जो भी हेड टू हेड की टीम बनाएगा वो इसी स्ट्रक्चर के साथ जाएगा। बाकी मेगा ग्रैंड लीग पे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इन तीनों में से सिर्फ दो प्लेयर को रखना, क्लियर। यहां पर आप लोग फिन एलन को पक्का से ट्राई करना, ठीक है। यहां पर इन चार में से आप लोग तीन या दो रखना, ठीक है। और यहां पर आप लोग कौन से बॉलर्स को लेकर आओगे वो बता दिया है, यहां पर क्या चेंजेस करना है मेगा ग्रैंड लीग पे वो बता दिया है, क्लियर। तो मेगा ग्रैंड लीग की टीम बनाओगे तो वो सारे चेंजेस आप लोग कर लेना जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। बाकी दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने माई इलेवन सर्कल ऐप को पक्का से डाउनलोड करना है नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे जाकर, क्योंकि माई इलेवन सर्कल ऐप पर क्या है दोस्तों, कम कंपटीशन है बाकी किसी भी ऐप के मुकाबले पे, तो यहां के मेगा ग्रैंड लीग को विन करना बहुत आसान है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे आपका लिंक है, लिंक को क्लिक करके ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में, होपफुली आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी पक्का से दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।